नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मेरा बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था लेकिन बीजेपी में था या नहीं ये हमको नहीं मालूम साहब, ये बोल लवलेश की माँ के हैं। जब मीडिया लवलेश के घर पहुंची और लवलेश की माँ से बातचीत करने की कोशिश की गई तब उनका रो रो कर बुरा हाल था और एक ही बात कहती जा रही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा था। लेकिन मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, वो बहुत नेक इंसान था जो सबकी मदद करता था। वो किसके दबाव में आकर ऐसा हो गया, किसके प्रभाव में आकर ऐसा हो गया मालूम नहीं। कई सालों से घर नहीं लौटा है, घर से उसको कोई मतलब ही नहीं, ना हमारा उससे कोई वास्ता है। मेरा बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ ज़रूर था इतना हमको मालूम है, लेकिन बीजेपी के लिए काम करता था या नहीं ये हमको नहीं मालूम। लवलेश उन तीन आरोपियों में से एक है जिसने माफिया जॉन अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शनिवार की रात मौत के घाट उतार दिया जब दोनों भाइयों को इलाहाबाद के कॉल्विन हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। ये तीन आरोपी पत्रकार के भेष में आए थे जिनके हाथ में कैमरा, लोगो और उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड था। तभी इतनी आसानी हुई इन तीनों को, अशरफ अहमद और अतीक अहमद को मारने में। तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच और मीडिया कर्मियों के बीच तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और महज 40 सेकंड में अतीक अहमद और अशरफ अहमद का काम तमाम हो गया। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल नाजुक हुई हुई है जहां पर प्रयागराज में विभिन्न जिलों से पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है, इंटरनेट पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लोगों से अपील की गई है कि वो घबराए नहीं और सरकार का सहयोग करें। हालांकि इन तीन आरोपियों ने खुद सरेंडर कर दिया है और गोली मारने के बाद तीनों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तीनों को धड़ दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तीनों से पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल होगी, इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि आखिरकार इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, प्लानिंग कब, कहां और किस प्रकार की गई थी। क्योंकि एक वीडियो क्लिप अशरफ अहमद का भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिस वीडियो क्लिप में अशरफ अहमद ने एक बड़े अधिकारी की बात कही थी और कहा था कि उस बड़े अधिकारी ने अशरफ अहमद को बता दिया है कि दो हफ्ते के बाद दोनों भाइयों को निपटा दिया जाएगा और ठीक दो हफ्ते पाँच दिनों के बाद इतनी बड़ी घटना हुई जिससे पूरा देश दहल चुका है। अब लवलेश की माँ से जब बातचीत की गई तो उनके आंसू थम नहीं रहे थे, दोनों माँ बाप बस एक ही बात कहे जा रहे थे कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा, उनके बेटे से उन्हें कोई रابطہ नहीं है। लवलेश के पिता ने जहाँ एक तरफ कहा कि 7 से 8 सालों से बेटा घर नहीं आया है, बेटे को घर से मतलब नहीं है और ये बात पूरा मोहल्ला जानता है, हर कोई जानता है, तो वहीं लवलेश की माँ ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बात कह दी है कि उनका बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और बीजेपी से जुड़ा हुआ था या नहीं इस बात पर उन्होंने मुहर नहीं लगाई है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लवलेश से जब तफ्तीश की जाएगी तो क्या कुछ बड़े खुलासे किए जाते हैं। उसकी माँ के आधार पर जो बातें सामने आई है, लवलेश उस पूरी बात पर कितना समर्थित होता है और कितना नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, नमस्कार।